गाइज अभी G20 वालों का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है स्टार्ट, अभी कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा स्टार्ट, तो आप सभी बेखौफ होकर बैठेगा एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही यूनिक सा एंड हमारा जो ट्रेडिशन है पूरा फुली दिखाया गया होगा इसमें, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आइए आपको ले चलिए उस आंगन तक जहां मनुष्य और देवता मिलते ही नहीं, गल बहियां डाले झूमते हैं नाचते हैं। इस धरती की परंपरा स्मृति और स्वप्न जनश्रुति और जन उत्सव में जीवंत तो हो उठते हैं। यहां के 12 जिलों में हर एक की अपनी विशिष्ट संस्कृति है, उतनी ही बोलियां हैं, अपना भिन्न इतिहास है, फिर भी उन सब के सांझे सपने हैं। पहाड़ की हर तह में एक गांव बसा है, वस्तुतः हिमाचली और भारतवासी है। इस प्रदेश की जनता ने एक तरफ तो खुले दिलो दिमाग से आधुनिकता के हर रूप को स्वीकारा है और अपनाया भी है। The lead dancer carries a chavar made of silver or gold. Hey!
उद्योग और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। द वैली ऑफ गॉड्स कहलाने वाला ये प्रदेश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभवों की तलाश में आने वालों का आश्रय स्थल है। इस दशहरा भी अपनी तरह का अनोखा ही उत्सव है। देवताओं की बहुरंगी शोभा यात्रा, आंदोलित कर देने वाला संगीत, स्थानीय व्यंजन, इन सबको संजोए दशहरा एक विलक्षण मेला है। द कुल्लू नाटी फाउंड प्लेस ऑफ ऑल द हाईएस्ट नंबर ऑफ डांसर्स डांसिंग टुगेदर विच देन वाज 10,000 एंड लेटर रीच्ड 14,000। हियर इज अ सैंपल। जनपद कई तरह से अनूठा है। यहाँ विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर बसे हुए गांव हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ डाकघर है और सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सड़कें हैं। लाहौल की भी बहुत समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है जो बौद्ध और हिंदू धर्म के मिश्रण से उपजे है। यहाँ का मनोहारी संगीत सुनने वालों को दूसरे ही दिव्य लोक में ले जाता है।
थरा सिरमौर। भगवान परशुराम और शिरगुल देवता जैसे स्थानीय देवताओं के इर्द गिर्द पनपे नानाविध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की तरह ही चित्ताकर्षक है सिरमौर। सिरमौर का विशेष आकर्षण इसकी रमणीय जीवन शैली है और इस शैली के मूल में है एक बहुत ही विराट सांस्कृतिक परंपरा जो कई तरह से गाथाओं और नृत्यों से एक रहस्य लोक का निर्माण करती है। सिरमौर की गाथाओं में यथार्थ और कल्पना के मिले जुले रंग हैं। सिरमौरी नाटी का आयोजन विवाह अवसरों, उत्सवों और सांस्कृतिक समारोहों में किया जाता है और यह नाटी सिरमौर की धरोहर का महत्वपूर्ण अंग है। द सिरमौरी नाटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज नोन फॉर इट्स एनर्जी, वाइब्रेंसी एंड एबिलिटी। सब मिलकर संस्कृति और सौंदर्य का एक भव्य वितान बुनते हैं। यहाँ स्थित अनेकों मंदिरों के कारण इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंडी के लोग सरल स्वभाव के मिलनसार लोग हैं जो अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मूल्यवान मानकर चलते हैं और अपनी जीवन दृष्टि में परंपरा और संस्कृति का समावेश करना जानते हैं। ऐसे परिवेश में दिव्य संगीत से अनुगूंजित ये सारी घाटी वसंत ऋतु के आगमन पर अपना सबसे बड़ा उत्सव शिवरात्रि धूमधाम से मनाती है।
the dances of Mandi, ladies and gentlemen, serve as eloquent expressions of the East past. Thank you.
का जश्न मनाते हैं जिसमें ये पैदा होते हैं। ये मानवता की देवत्व में आस्था का उत्सव मात्र है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग की प्रस्तुति। सहायक निर्देशक बिहारी लाल शर्मा जी।